चलिए, आपका स्वागत है मनीष मैथ्स की क्लास पे। आज हम लोग देख रहे हैं, जो हम लोग कंटिन्यू करते हुए थे नंबर सिस्टम, उसको आज पढ़ रहे हैं। तो मनीष मैथ्स, आपको चैनल का नाम मालूम है कि जैसे कि मनीष मैथ्स है, तो इसको जितना ज़्यादा हो सकता है, सबसे पहला काम है आपको इसको शेयर करिए, कंटेंट अगर पसंद आए तो। ठीक है, मनीष मैथ्स चैनल का नाम है। ठीक है, अभी और हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं नंबर सिस्टम का 10वां पार्ट। ठीक है, नंबर सिस्टम का 10वां पार्ट क्या है? ये है आपका कंसेक्यूटिव नंबर। क्या है? कंसेक्यूटिव नंबर। कंसेक्यूटिव मतलब क्रमागत संख्या। कैसी संख्या? क्रमागत संख्या। ठीक है, क्रमागत संख्या। अब क्रमागत संख्या क्या होती है, इस चीज को ध्यान से देख लेंगे। क्रमागत संख्या, क्रमागत संख्या को ऐसी संख्या बोलते हैं जो हमारी क्रमागत संख्या को ऐसी संख्या बोली जाती है, जैसे क्रमागत क्या है, ऐसी संख्या जो किससे हो, क्रम से हो। क्रम से हो मतलब एक श्रेणी में हो। किसमें हो? एक श्रेणी में। श्रेणी में होगी यानी एक सीरीज में होगी। सीरीज का कहने का मतलब है संख्या किसमें होगी, एपी का सवाल होगा। एपी का मतलब, कहने का मतलब क्या है? समानांतर। समान अंतर। समान अंतर का मतलब क्या है? उनके बीच का डिफरेंस। डिफरेंस क्या रहे हमेशा? डिफरेंस सेम रहे। डिफरेंस क्या रहे? सेम रहे। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? क्रमागत संख्या। दो संख्या, लगातार संख्याओं के बीच का अंतर हमेशा क्या रहेगा? समान रहेगा। उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? समानांतर श्रेणी। एपी का सवाल। ठीक है, अब एपी में देखिए, बेसिकली हम लोग दो तीन फॉर्मूला हम लोग एपी में पढ़ते हैं। वो कौन कौन से हैं एपी में, देखिएगा फॉर्मूले कौन कौन से हैं। अगर आपसे nth टर्म पूछ दिया, कौन सा टर्म? nth टर्म बताइए, तो फॉर्मूला क्या हो जाता है? ए प्लस एन माइनस वन इन टू डी। ए क्या है? पहला पद। एन क्या है? कुल पदों की संख्या। और डी क्या है? अंतर। अब यहां Sn का दो फॉर्मूला हम लोग पढ़ते थे, n बाई टू ब्रैकेट में a प्लस एल, पहला पहला पद और आखिरी पद। मालूम हो किसी पद में तो n, और अगर पदों की संख्या मालूम है तो तुरंत लगा दीजिएगा। अगला होगा Sn इज इक्वल टू n बाई टू ब्रैकेट में 2a प्लस एल माइनस वन इन टू डी। हम यहां से ये भी कह सकते हैं कि ये वाला पद लास्ट टर्म के बराबर होता है। ठीक है, ये वाला पद किसके बराबर होता है? लास्ट वाले टर्म के बराबर होता है। तो ये हो गया कंट्रोल। अब मान लो पद ही ना मालूम रहे, बस सीरीज दे दे और कह दे कि आप निकालिए, तो या तो पद की संख्या निकाल के फॉर्मूला लगाएं या तो कोई मेथड निकालें। तो हम आपको एक ऐसा रामबाण दे रहे हैं, ठीक है, जिसको आप कभी भी कितने का भी अंतर रहे, बस इतना रहे कि सवाल किसका होना चाहिए, एपी का, उसमें अंतर हमेशा समान रहे, तो आप कहीं भी लगा देंगे तो वो कभी भी गलत नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं। जैसे सवाल है, सवाल क्या क्या है इस चीज को देखिएगा। ठीक है, सवाल क्या क्या है वो देखिएगा। जैसे सबसे पहले अगर हम सवाल ले लेते हैं, पहला नंबर सवाल, अगर एग्जाम में अगर आपसे पूछ देता है, एक से याद कर रहे क्रमागत, एक दो तीन चार डैश 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 से लेकर सपोज कर लिया 82 तक। कहां तक? 82 तक के पदों का योगफल निकालिए। तो अगर फॉर्मूला याद हो तो n बाई टू करके लगा लीजिए, यानी n प्लस वन बाई टू। ठीक, या तो आप यहां क्या लगा लेंगे फॉर्मूला, या तो मैं जो तरीका सिखाने जा रहा हूं उस चीज को ध्यान से समझ लीजिएगा। ठीक है, अब तरीका क्या सिखाने जा रहा हूं ये देखिएगा। हम तरीका सिखाने जा रहे हैं इनके बीच एक एक को किससे काट लेंगे? दो से, तो 0.5। तो जो भी आएगा उसको यहां से घटा लीजिएगा, तो 0.5, और यहां पे जोड़ लीजिएगा तो 82.5 हो गया। तो एक बार इसको और इसको जोड़ लीजिएगा, एक बार इसको इसको क्या करिएगा, जोड़ लीजिएगा। एक बार जोड़ना है और एक बार घटाना है, तो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 83, और एक बार घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 82 बटा दो गुणे दो गुणे एक, दो गुणे एक। तो हम दो से काट लिया कै बार में, तो इसको कै बार में 41। अब 41 का गुणा करना
इकतालीस तीया, इकतालीस का गुणा करेंगे तो इकतालीस तीया 123, कैरी कितना 12, इकतालीस अठे करेंगे तो 800, 328, 328 में 12 जोड़ दिया तो 340। थोड़ा सा कैलकुलेटर लेके आप लोग बैठ जाइएगा, चेक करते रहिएगा, कुछ गड़बड़ ना। ठीक, पहला वाला कॉन्सेप्ट क्लियर है, एक से आ गया तब। अब मान लो कोई कहा नहीं सर, मान लीजिए अगर ये बीच से टूट जाए तब क्या कीजिएगा। ठीक, बीच से टूट जाए, बीच से टूट जाए, जैसे मान लीजिए एसएससी जीडी में आया हुआ सवाल था 2021 में, क्या पूछा था, 51, 52, 53, 10, 10, 10 कहां तक था, कहां तक था, 100 तक का था। ठीक है, किसी के पेपर में आया हुआ था, तो ये सवाल था, तो इस सवाल को कैसे करेंगे, तो ध्यान से देख लेना। हमारा वही है कि हम क्या करेंगे, अब ऐसी स्थिति में इनके बीच का डिफरेंस कितने का, हम तरीका बता चुके, एक का, एक को किससे काटेंगे, जीरो से काटेंगे, दो से तो 0.5 हुआ, यहां से हम घटा देंगे, घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 50.5, और यहां क्या करेंगे जोड़ देंगे, जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 100.5, हो गया, दो चीज हो गए। अब एक बार, अब इनको इनको यही सवाल लगाएंगे, ये एक बार क्या होंगे, जोड़ेंगे और एक बार घटाएंगे, तो जोड़ दिया जाएगा, तो जोड़ने का टेक्निक ऐसे होता है, अगर ये 50.5 है तो एक बार जोड़ेंगे और एक बार घटाएंगे, तो जोड़िएगा जब तो ये आ जाएगा 151, और एक बार जब आप घटाएंगे तो क्या बचेगा 50/2 × 1, दो से काट लेंगे 25 बार, तो 25 का पहाड़ा पड़ेंगे, 25 × 1 = 25, कैरी कितना 2, 25 × 25 = 125, 2 × 27 = 27 कैरी कितना 12, 25 × 25 = 25 और 12 कितना हो जाएगा 37, 75, चेक कर लीजिएगा क्या ये गड़बड़ नहीं ना है। ठीक, तो ये आपके एग्जाम में इस तरीके का सवाल एसएससी जीडी में पिछली बार पूछा हुआ था। ठीक, तो ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, कभी भी एक आध सवाल दिन भर में पूछ लेगा, ये नहीं कह सकते हम श्योरिटी से कि पूछेगा ही, लेकिन दिन भर में एक आध बार पूछ लेगा, पैनिक मत होइएगा, घबराइएगा मत, हर तरीके से ये सवाल लगेगा। अब जैसे ये हो गया, अब मान लीजिए हम कहते हैं कि अच्छा सम का बताइए, सम पे बैठेगा क्या, हर जगह बैठेगा, जहां बैठा दोगे तुम सम पे भी बैठेगा, सम पे कैसे बैठेगा, अब ध्यान से समझो, सम संख्या कहां से शुरू होती है, 2, 4, 6, 8 से लेकर, अगर मान लो आपके एग्जाम में आ गया 72 तक का योगफल निकालिए, 72 तक का योगफल निकालिए, चाहे दे देता 36 पदों का योगफल क्या होगा, तो ऐसी स्थिति में अब आप क्या करोगे, यहाँ पे सेम टू सेम आपके ऑप्शन खुले हुए हैं, तो इनके बीच का डिफरेंस कितने का, 2, 2 से 2 को काट लिया कितना आया 1, 1 यहां से घटा दीजिएगा और 1 यहां पे जोड़ दीजिएगा, जोड़ेंगे तो कितना होगा 73, तो एक बार इसको, अब इसको एक बार क्या करना है, जोड़ना है और एक बार घटाना है, तो 73 में 1 जोड़ दिया 74, 73 में से 1 घटा दिया 72, बटा कितना हो जाएगा 2 × 2, ये अंतर है, ये हमेशा याद रखना, 1, 2 तो फिक्स है लेकिन 1 वेरी करेगा, वो क्या कहलाएगा, अंतर। ठीक, हम 2 से इसको काट लेंगे कई बार में 36 बार में, और 2 से इसको काट लेंगे कई बार में 37 बार में। अब देखो यहां कुछ बच्चे फंस जाएंगे, 36 × 37 करें कैसे करें। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, 2 संख्या है 36 का, 36 बार पहाड़ा पढ़ते तो 36 जा होता और 1 36 जोड़ देना, तो हम निकाल सकते हैं कि 36 का स्क्वायर लिखे, देखो ऐसे लिख सकते हैं 36 को, इसको 36 + 1, 36 का स्क्वायर निकाल के जोड़ दें 1 36, तो स्क्वायर निकालेंगे तो 3 का स्क्वायर 0 9, 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36, और ये कितना हो जाएगा 18 18 2 36, तो ये कितना आ जाएगा 12 96, और 12 96 में हम क्या जोड़ दें 36 अगर जोड़ देते हैं तो ये कितना आ जाएगा 2 कैरी 1 13 कैरी 1 3, और ये कितना 13 30 आंसर आया। ये चीज याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि कैसे आप एग्जाम में डील करोगे। अब कुछ बच्चा इसको गुणा करके फंसा रहेगा, 36 का स्क्वायर अगर उसे याद रहा 1296 और 36 जोड़ के निकल लेगा कि नहीं निकल लेगा। ठीक, तो इसीलिए स्क्वायर का बहुत इंपॉर्टेंस है जिंदगी में। स्क्वायर क्या करोगे, अब मान लो ये तो था शुरू से, अब मान लो यही ब्रेक हो जाए, ब्रेक हो जाए मतलब बीच से आ जाए, जैसे मान लो
हम बोल दिए 36, 38, एग्जाम टाइम में ऐसे ही सवाल दिखेगा आपको, ठीक है, 40, डैश 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 से लेकर बोल दिया गया 92 तक, कहां तक, 92 तक। अब आप क्या करेंगे, इसके डिफरेंस को, किसके इसके डिफरेंस को, डिफरेंस कितने का है, दो, दो को दो से काट दिया कितना आया एक, तो एक यहां से घटा देंगे कितना होगा 35, एक यहां जोड़ दिया जाएगा 93। एक बार इसको और एक बार इसको जोड़ दीजिए, तो जब आप जोड़ेंगे तो इसको इसको जोड़ना है, तो ध्यान से देख लीजिए, एक पास लिख लीजिएगा 93 और 35, है ना, जोड़ेंगे तो जोड़िएगा तो आपको मिलेगा 128 मिलेगा, और एक बार जब घटाना होगा तो घटाइएगा कैरी देंगे तो 13 में से 5 गया 8 हो जाएगा, और यहां क्या बचेगा 8, 8 में से 3 गया 5, बटा नीचे क्या रहेगा 2 × 2, ठीक, 2 से काट लेंगे इसी को 64 बार में, ठीक, 2 से फिर अगर काटना होगा तो इसी को काट लीजिएगा कितनी बार में, 32 बार। तो अब मेरे पास गुड़ा क्या आ गया, 58 × 32, या तो आप कैलकुलेटर लगाइएगा या तो आप थोड़ा सा कॉन्सेप्ट में तेज रहिए कि कैलकुलेटर को भी चुनौती दे सके। तो 8 × 2 = 16 का 6 कैरी कितना 1 10 24 34 35 का 5 कैरी 3 15 3 18, तो देख लीजिए 18 56 है कि नहीं है। ये मेथड ध्यान से समझ लीजिएगा, इसमें क्या करना है आपको, सीधा गुड़ा फ्रिस क्रॉस करके गुड़ा करके क्या करना है, जोड़ना है, और फिर इसका सीधा गुड़ा, जो कैरी आता रहेगा देते रहिएगा, ठीक है, आंसर कितना आ जाएगा 18 56। बात समझ में आ रही है, ठीक, ये कब था, जब 20 से टूट गया, अब सम हो गया। अब अगला देखते हैं किसके लिए, विषम के लिए। विषम के लिए क्या है सर, विषम के लिए जैसे सवाल है, 1 हो 3 हो 5 हो, 1 से शुरू होता है विषम संख्या, ठीक है, 7 हो और डैश 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 से लेकर सपोज कर लो 25 पदों तक दे दे, पदों का योगफल क्या होगा, ठीक है, 25 संख्याओं का योगफल क्या होगा, कुछ इस तरीके से दे दे 25 संख्याओं का 25 पदों का, तो ये 25 तक नहीं है, ये कहने का मतलब ये नहीं है कि 25 तक है, ध्यान से समझना, 25 संख्याओं लिख दे या क्या लिख दे, 25 संख्याओं लिख दे या पदों लिख दे, तो इसका मतलब कि 25वां पद तक ढूंढना है। तो देखो ढूंढे कैसे, पहला पद कैसे मिला, 2 × 2 = 1, 2 में से 1, दूसरा कैसे मिला, 2 × 2 = 4, 4 में से 1, तीसरा कैसे मिला, 2 × 3 = 6, 1, तो ये बताओ 25वां कैसे मिलेगा, तो 25वां मिलेगा हमको कैसे, 25 × 50 और 1, आखिरी पद क्या है 49, यानी ये सीरीज आपसे इस तरीके से देना चाहता है, तो वहां पे थोड़ा सा प्रॉपरली डील करिएगा सवाल को, ठीक है, कैसा सवाल आता है, 25 तक देख के लड़के भावनाओं में बह जाएंगे, तुरंत 25 पे लाइन खींच के सॉल्व, 25 पदों बोला या 25 संख्याओं तक, 25 तक नहीं बोला, तो दिमाग से काम करना वहां से, ठीक है। तो अब ऐसी स्थिति में हम यहाँ क्या करेंगे, दोनों तरफ लाइन खींचेंगे, 2 को 2 से काटा कितना आया 1, तो 1 यहां से घटा लूंगा, घटाऊंगा तो कितना हो जाएगा 0, और 1 यहां पे जोड़ दूंगा तो कितना हो जाएगा 50। अब इनको एक बार जोड़ना है और एक बार घटाना, तो जोड़ेंगे तो 50 में 0 जोड़ा 50, 50 में से 0 गया 50, बटा 2 × 2, 2 से काटा 25 बार में, 2 से काटा 25 बार में, तो किसका स्क्वायर निकालना है 25 का, तो ये कितना होगा 0 × 4, या 25 का स्क्वायर सीधे कर सकते हैं 5 का 25, और इससे एक बढ़ा लिया 3 × 3 = 625, क्लियर है, ठीक। तो ये कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है ना, कैसे कैसे करना, ठीक। तो ये हो गया सम, मान लो यही 20 से टूट जाए विषम वाला, तब क्या करोगे, कहां, जैसे ये तो सवाल हो गया एक सवाल, अगला सवाल जैसे लिखते हैं, मान लो आ गया 1 3 5 डैश 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 से लेकर 1 3 5 डैश 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 से लेकर मान लिया 97 तक दे दिया गया, तो आप क्या करोगे 97 तक, तो 2 है, 2 को किससे काटोगे 2 से, कितना आ गया 1, तो 1 यहां से घटा देना और 1 यहां पे जोड़ देना, हो गया। अब एक बार इसको जोड़ना और एक बार घटाना, तो जब जोड़ोगे तो ये आएगा 98 × 98 बटा 2 × 2, 2 से काट लिया तो कितना आएगा 49, और 2 से काट लिया 49, यानी हमको 49 का स्क्वायर करना है, तो 4 का स्क्वायर 16 और 2 का 9 का स्क्वायर 81, 9 = 36, 36 × 72, तो जोड़ लेंगे
तो ये कितना आएगा, 1 0 कैरी 3 1 4 कैरी 2, तो कितना स्क्वायर होगा 49 का 24 0। बात समझ आ रही है? बोलिए यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब जैसे सवाल बोल दिया जाए, आगे आपसे सवाल बोला जाए क्या, देखिएगा सवाल बोला जाए कि 3 के प्रथम 29 गुणजों का योगफल ज्ञात करें। सवाल देखिए चेंज हो रहा है, ठीक। आप इस मेथड पे 3 के प्रथम 29 गुणजों का, प्रथम 29 गुणज करने का मतलब क्या है, 3 1 कम 3 3 2 9 3 3 9, तो ये इसके प्रथम 3 गुणज हो गए। कहां तक बोला गया है, 29 तक। तो 29 तीया डायरेक्ट ना कर ले, बोलो 29 तीया करेंगे तो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 87। आगे बात समझ, कॉन्सेप्ट में कोई चेंज मत करना, पहले बता रहे हैं कॉन्सेप्ट, मैंने बोला तुमसे कॉन्सेप्ट में कोई चेंज नहीं होगा। इनके बीच का डिफरेंस 3 3 को 2 से काटा कितना आया, तो यहां से 1.5 घटा लेना 1.5 और यहां 1.5 जोड़ देना, तो 88.5 यहां घटाना है और यहां जोड़ना है, ये हो गया। अब उसके बाद से इनको एक बार आप जोड़िएगा और एक बार घटाइएगा, तो आप लिख लीजिए 88.5 में 1.5 एक बार जोड़ना है एक बार घटाना है, तो जोड़ेंगे तो डायरेक्ट जुड़ जाएगा, कैरी हो जाएगा 1 कितना 90, और एक बार अगर घटाएंगे तो सीधे कितना हो जाएगा 87। बटा नीचे क्या रखना है, ये 2 फिक्स है और ये क्या होगा, 3 डिफरेंस है, ठीक है, ये क्या होगा डिफरेंस। बात समझ आ रही है, 3 से गुरु अगर काटोगे 30 बार में और 2 से काटोगे 15 बार में, तो 15 7 105, 5 का 5 कैरी 10, 15 8 120 और 10 130 1305। बातें समझ में आ रही है? बोलिए अगर यहां तक बात समझ में आ जाएगी तब हम लोग आगे बढ़े, ठीक। अब जैसे अगला ही बोल दिया गया, एक आप लोग खुद से करिएगा इसको, अगर करना होगा तो पहले प्रयास करिए, 6 के प्रथम 32 गुणजों का योगफल ज्ञात करें। बातें समझ में आ रही है ना, कैसा सवाल आएगा, इस तरीके का सवाल आएंगे। तो हम क्या करेंगे, 6 को लिखेंगे पहले, 6 कम 6 दूना 6 त्रिके 6 चौके, तो प्रथम 4 गुणज हुआ, हमको कहां तक चाहिए 32 छक्के तक, तो 32 छक्के 200 सॉरी 192 32 छक्के कितना हो जाएगा, 32 छक्के है ना, तो देखिए छक्के कर लीजिएगा, 2 कैरी 1 18 1 92 192, ठीक हो जाएगा 32 छक्के 192। अब हमको क्या करना है, इनके बीच का वही प्रोसेस, अंतर कितने से काटना है, डिफरेंस कितने का 6 को किससे काट दें, 2 से, 3 आया 3 इधर घटा दीजिएगा और 3 उधर जोड़ दीजिएगा, तो 195। एक बार इसको जोड़िएगा और एक बार इसको घटाएंगे, तो अगर एक बार जोड़ेंगे एक बार घटाएंगे, जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 198। एक बार क्या कर रहे हो, 89 का चिल्ला, एक बार जोड़ना है और एक बार घटाना है, तो एक बार जोड़ेंगे तो 198 और एक बार घटाएंगे तो 192 होगा ना, देख लीजिएगा कोई दिक्कत, देख लो 3 घटेगा 192 और ये 3 जुड़ेगा 198 बटा 2 गुणे, यहाँ हमको क्या करना है 6, ठीक, 6 से काट रहे हैं, काट दे 6 त्रिके 6 दूना 2 से फिर काट रहे हैं 16 का पहाड़ा पढ़ ले, 16 9 144 होता है, कोई भूल मत देना, ठीक है, 16 8 128 28 का 8 कैरी कितना 12, 16 9 144 144 और 12 144 और 112 56 का 56 कैरी कितना 15, 16 1 16 15 31 आंसर आया है, ठीक है। बातें समझ आ रही है, तो ये सारा खेल आपके किस पर डिपेंड है, गुणा पे, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं, सपोज करो अगला आ गया,
अगला क्या है, मान लीजिए हम यहां से ले लेते हैं 36 अंतर, 42 48 डैश 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 से लेके चलते हैं, मान कर लो अभी हमने कहां तक लिखा था, 96 तक, वहीं तक बस इतना छोटा। अब ये बीच से टूट गया ना, तो ये भी आंसर आएगा, आंसर कभी गड़बड़ नहीं होगा, बस तुम इतना समझना आंसर कभी गड़बड़ नहीं होने वाला। क्या करना है तुम्हें, अंतर लेना है, अंतर कितने का, 6 को 2 से काट दिए कितना है, 3, 3 इधर घटा दिए 33 और 3 इधर जोड़ दिए 93 होगा। अब एक बार इनको जोड़ो और एक बार इनको घटाओ, एक बार इनको जोड़िए और एक बार इनको घटाइए, तो जोड़ेंगे सॉरी इधर 99 हो जाएगा, सॉरी इधर घटा लिए उधर जोड़ दिए, तो एक बार इसको जोड़ेंगे, चलिए कम से कम एक्टिव रहिए, आप लोग देख तो गए ही होंगे, ठीक है 99 और 33 एक बार जोड़ना है, एक बार जोड़ना है और एक बार घटाना है, तो जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 2 कैरी 1 12 1 13 132, ठीक है, और अगर एक बार घटाएंगे तो ये आ जाएगा 66 बटा 2 गुणे 6, तो 6 से हम इसी को काट रहे हैं कई बार में, 22 बार में कट जाएगा, और 2 से इसी को काट रहे हैं 11 बार, 11 छक्के 66 का 6 कैरी 6, 11 छक्के 66 66 और 6 66 से कितना हो जाएगा 72, 726, ठीक। अगला देखते हैं 726, अब 726 हो गया, यहां तक बातें क्लियर है, ठीक। अब इसका जो अगला टाइप है वो लिखिएगा, ठीक है, कैसे सवाल आ सकता है, अगला टाइप कंटिन्यू कर रहे हैं उसको देख लीजिएगा, अब आगे जो टाइप है उसको हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं, आगे कैसे करेंगे, ठीक है, चलिए देखते हैं आगे वाला। पीपीटी का बनाने की आवश्यकता नहीं समझे, इसको नॉर्मली हम लोग कर सकते हैं, समझ सकते हैं कितने प्रकार का सवाल बनेगा इसको, ठीक है, तो इसको समझाना ज्यादा बढ़िया रहेगा मेरे ख्याल से, ठीक है। अब इसको ज्यादा थोड़ा सा समझ लीजिएगा कैसे, जैसे कह दिया सवाल कहेगा 3 क्रमागत या 5 क्रमागत लिख लो, लिखते हैं 5 क्रमागत, 5 क्रमागत सम संख्याओं का, किस संख्याओं का, 5 क्रमागत सम संख्याओं का योग, सम संख्याओं का योग, सम संख्याओं का योग 80 है, ठीक 80 है, कितने प्रकार के सवाल बन सकते हैं वो देखिएगा। अब हम आपको बता दे रहे हैं कितने प्रकार के सवाल होंगे, वो सब हम लोग देख रहे हैं। सबसे पहला कौन सा सवाल बनेगा ये देखिएगा, कहेगा ठीक बीच वाली संख्या बताइए, ठीक बीच वाली संख्या, पहला सवाल ठीक बीच वाली संख्या, कहेगा दूसरा छोटी और बड़ी का योग, ये बन सकता है, ठीक। तीसरा कहेगा छोटी बड़ी का अंतर, ये बन सकता है, ठीक ये हो सकता है, या तो पर्टिकुलर इंडिविजुअल नंबर पूछ देगा, इंडिविजुअल नंबर, इंडिविजुअल नंबर कहने का मतलब कह देगा चौथे नंबर पे कौन सी संख्या, ठीक है, प्लेस पूछ देगा, क्या पूछ देगा, इंडिविजुअल प्लेस, प्लेस मतलब फोर्थ नंबर पे कौन सा है, थर्ड नंबर पे कौन सा है, ये पूछ सकता है, बात समझ आ गई। तो इस चीज को हम कैसे करेंगे ध्यान से देख लीजिएगा, पांचों सवाल को हम बहुत प्रॉपरली डील करेंगे और सबका हिसाब से बताएंगे, जितना कहेगा, कितना कह रहा है 80 संख्या है, कितनी संख्या है 80, तो जितना बोले तुम उससे उसको भाग दे देना, 80 से किसको भाग दे देना, 5 से, 5 से काटते ही संख्या हमको क्या मिलेगी, छोटी संख्या हमको क्या मिल जाएगी, 16 मिली, वो क्या होगी, ये जो मिली वो बीच वाली होगी, ठीक, क्यों, क्योंकि ये हमने क्या निकाला, एवरेज, कुल योग बटा कुल संख्या, एवरेज भी तो यही कहता है, कुल योग बटा कुल संख्या यानी बीच वाली संख्या, ठीक, हमें एवरेज मिल गई। अगर एवरेज मिल गया तो अब ये कैसी संख्या है ये चीज देखना, तो 5 उंगली में से देखो, 5 उंगली में से अगर बीच वाली मिल गई तो 2 इधर और 2 इधर होगा, कॉन्सेप्ट समझो, बस कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा तो मेरा पढ़ाना सार्थक हो जाएगा। तो कौन सम संख्या है तो इधर उधर चल सकते हैं, चले तो ये कितना होगा 18 और ये कितना होगा 20 और इधर चले 14 तो ये कितना होगा 12, बातें हैं। अब अगर मान लो कोई बच्चा कहा कि हमें छोटी बड़ी का योग बताइए और मैं ये नहीं निकालना चाहता हूं
और छोटी बड़ी का योग जानना चाहता है तो सीधे तुम इसको बढ़ाना और इसमें किससे गुणा कर देना, दो से, 16 × 2 = 32। देख लो छोटी और बड़ी का योग उतना आएगा कि नहीं आएगा, ठीक, छोटी बड़ी का योग। अब ये सवाल देखे बिना वो कह दे छोटी बड़ी का योग हो गया, ठीक, बीच वाली हो गया। अब मैं कहूं कि मैं ये सॉल्व ही नहीं करना चाहता, मुझको करना ही नहीं है, और मुझे क्या चाहिए, अंतर, अंतर चाहिए, तो कुछ मत करो। अंतर का फॉर्मूला होता है n-1 × b डायरेक्ट। n क्या है, पद, कितना पद है आपके पास, पद कितना है, 5, 5 में से एक गया। d, d डिफरेंस कितने का होगा, हमेशा सम संख्या में, सम संख्या में डिफरेंस कितने का, 2 का, तो ये बताइए 5 × 2 हो जाएगा, 5 में से एक गया, क्या हो जाएगा, 4 × 2, 4 × 2 = 8 है कि नहीं है। देख लो बड़े में से छोटे को घटा लो, 8 का अंतर आएगा कि नहीं आएगा, बात समझ आ गई, यहां तक किसी को कोई दिक्कत, देख लीजिएगा यहां तक कोई दिक्कत नहीं ना है, तीनों सवाल कवर हो गया, छोटी बड़ी और वो। अब मान लीजिए इसी सवाल में आगे अगर और एक सवाल पूछ दे विषम पे आ जाए, किस पे आ जाए, विषम पे, तो विषम पे हम कैसे करेंगे, सम वाला बता दिए, अब विषम वाला एक एक सवाल करा रहे, कोई दिक्कत नहीं ना है, इसी में सब क्लियर हो जाएगा। जैसे अगला सवाल क्या है इसको देखिएगा, जैसे कह दिया गया विषम के लिए कि 5 क्रमागत विषम संख्याओं का योग, कितना, 5 क्रमागत विषम संख्याओं का योग, संख्याओं का योग 145 है, 145 है, 145 है, तो हमारा वही चारों सवाल, चारों सवाल कौन कौन सा, ठीक, बीच वाली, छोटी और बड़ी का योगफल, छोटी, छोटी और बड़ी का, बड़ी का अंतर, और अगला क्या आ जाएगा, इंडिविजुअल कोई भी नंबर पूछ दिया जाएगा। तो हम ऐसी स्थिति में क्या करेंगे, 145 को किससे काटेंगे, 5 से, 5 से काटते ही कैसी संख्या मिली, विषम, कैसी संख्या मिली, विषम। अब 29 मिली, तो ध्यान से समझो, इधर और इधर, इधर और इधर, 5 संख्या है, बीच वाली हो गई, तो इधर चलेंगे तो ये कितना होगा, 27, और इधर चलेंगे तो 25, इधर बढ़ेंगे तो 31, और इधर बढ़ेंगे तो 33 हो जाएगा, हुआ। अब अगर तुमसे बड़ी पूछ दिया, दोनों का योग, छोटी और बड़ी का योग, तो सीधे 29 × 58 करना, पूरा संख्या ढूंढने की जरूरत, बीच वाली मिल गई ना, उसका दुगना कर दीजिएगा, ठीक, देख लीजिए सीधा दुगना, जोड़ भी लेंगे तो वही मिलेगा, ठीक। अगला देखिए, अंतर बोला तो अंतर का फॉर्मूला मैंने बता दिया है, n-1 × d, ये सॉल्व ही नहीं करना पड़ेगा तब आपको, ठीक है, सीधे कितना पद है, 5 पद, 1 माइनस, और विषम में कितने का अंतर होता है, d हमेशा क्या होता है, 2, तो गुणे 2, तो ये कितना आ जाएगा, 4 × 2 = 8 दिख जाएगा, 33 में से 55 घटा, 33 में से 25 घटा के देख लीजिएगा कितना बचेगा हमेशा, बात समझ आ गई। तो ये हो गया एक कॉन्सेप्ट। आप कहे कि सर बड़ा तेज हाथ से समझाए हैं, 5 रहा तो 2 इधर, 2 इधर, कहे ना, अब मान लीजिए 4 रहा, 6 रहा, तो उंगलियां कहां बीच में से घुसाएंगे, तो वो भी घुसाएंगे, देखते हैं कैसे घुसाएंगे, छोड़ के भागिएगा मत, सवाल लिखिएगा, ठीक। अगला कंटिन्यू कर रहा, मिटा दे इसको, ये क्लियर है ना, यहां तक कोई डाउट नहीं है, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिएगा, फिर वही चारों सवाल पे फिर हम लोग बात करेंगे। अगर मान लो इंडिविजुअल में कैसे सवाल पूछ देता, कह देता कि दूसरी बड़ी संख्या बताइए, सबसे बड़ी कौन है, 33, दूसरी बड़ी संख्या कौन है, 31, तो सवाल चेंज हो सकते हैं, जैसे दूसरी बड़ी संख्या बोलेगा तो दूसरी बड़ी संख्या किसको बोलिएगा आप, 31 को, कहते दूसरी छोटी संख्या, तो छोटी संख्या कौन है, 25, तो दूसरी छोटी कौन होगी, 27, तो इस तरीके से सवाल पूछा जा सकता है, ठीक है, इंडिविजुअल पे सवाल इस तरीके से, कह देगा तीसरी संख्या बताइए, तो तीसरी संख्या कौन हो जाएगी, 29, सीरीज समझ में आ गया ना, इस पे कोई दिक्कत नहीं। अब मान लीजिए 4 वाली और 6 वाले प्रॉब्लम को देखते हैं, 4 वाले और 6 वाले, ठीक, चलिए आते हैं, 6 पे बता रहे हैं, 4 पे ऑटोमेटिक समझ लिया जाएगा, ठीक है। जैसे 6 वाले पे लिखते हैं तो लिखिएगा 6 क्रमागत
कितना, 6 क्रमागत, 6 क्रमागत संख्याओं का, संख्याओं का योग, 6 क्रमागत संख्याओं का योग 102 है। 6 क्रमागत संख्याओं का योग कितना है, 102 है। ठीक, तो अब वही सब सवाल, इसमें ठीक बीच वाली नहीं आती है, इसमें कभी ठीक बीच वाली संख्या पूछेगी नहीं। क्यों? क्योंकि 6 में बीच वाली हो ही नहीं सकती। हो सकती है क्या, देख लो, 6 उंगली है, बीच वाली हो सकती है? नहीं। तो कभी ये सवाल पूछेगा नहीं। सवाल यहां क्या पूछेगा, इंडिविजुअल पूछते हैं, क्या पूछेंगे, इंडिविजुअल, बहुत ज्यादा इसमें पूछा जाता है। ठीक बीच वाली जगह क्या पूछते हैं, इंडिविजुअल की, तीसरे नंबर पे कौन सी आएगी, चौथे नंबर पे छोटी संख्या है, बड़ी संख्या, ये पूछ सकता है। ठीक है, इंडिविजुअल पूछेंगे छोटी बड़ी, या पूछ देगा छोटी बड़ी का, छोटी बड़ी का योग। ठीक, छोटी बड़ी का, बड़ी छोटी का अंतर। ठीक है, छोटी टी, छोटी और बड़ी का अंतर, छोटी बड़ी का क्या बोल देगा, अंतर। और क्या बोल देगा, छोटी बड़ी के अंतर के बाद से इंडिविजुअल हो गया, बस यही सब पूछ सकता। तो अब इसमें क्या करिएगा, आप सेम कॉन्सेप्ट छोड़ के भागिएगा मत, एक्स मानने की जरूरत नहीं। 102 है, 102 को किससे काटिएगा, 7 से, 6 है ना, सॉरी 6 से, किससे काटिएगा, 6 से, जितनी संख्या रहेगी उसी से काटना है। 6 से काटे, 6 से काटे तो कितना मिलेगा, 17। अब एक बात गौर करिएगा, संख्या कैसी थी, 6 क्रमागत सम संख्या थी ना, यहां छूट रहा है, फिर से सम संख्या थी, इसको मिटा दें, हाँ ऐसे करना है, 6 क्रमागत सम संख्या थी, सम लिखना छूट गया था, 6 क्रमागत सम संख्या, तो सम संख्या है तो बताओ क्या ये सम है, 6 क्रमागत सम संख्या है नहीं, बीच वाली नहीं है, और कैसी संख्या चाहिए, सम, तो अगल बगल, ये बीच वाला मिल गया है, बीच वाली है, जैसे 4 उंगली है, 4 उंगली में बीच का जगह है, भले वो मेरे काम का नहीं है। ठीक है, तो हम ऐसी स्थिति में अब यह क्या करेंगे, इधर और इधर सम ढूंढेंगे, तो इधर सम कौन मिलेगा, 16, और इधर सम क्या मिलेगा, 18, तो इधर इधर चल ले, तो ये कितना आएगा, 14, और इधर कितना आएगा, 12, इधर कितना आएगा, 20, और एक इधर चलेंगे और, तो कितना मिलेगा, 22। तो अगर आपसे छोटी और बड़ी का योग पूछा तो फिर वही बीच वाली का सीधे दुगुना कर देना, 17 दुगुना 34, गड़बड़ नहीं हुआ, जो मिला था जिसको काटे थे, ये आपकी संख्या नहीं है, ये आपकी क्या है, संख्या नहीं है, ठीक बीच वाली, छोटी और बड़ी का योग, छोटी और बड़ी का क्या हो जाएगा, योग हो जाएगा। क्लियर है, बात समझ आ रहा है, छोटी बड़ी का क्या हो जाएगा, योग। अंतर पूछा, अंतर का फॉर्मूला मैंने बताया, एन माइनस वन इंटू क्या कर देना, कितना पद है, 6, 6 में से एक गया और गुड़े कितना, 2, तो 5 गुड़े 2, 5 गुड़े 2 बराबर 10, देख लो इसको, इसको घटा के 10 का अंतर है कि नहीं, 22 में से 12 जाएगा 10। तो ये सवाल अब इसमें आपसे क्या पूछ देगा, छोटी बताइए, तो छोटी कितनी हो जाएगी, 12, बड़ी पूछेगा, 22, कह देगा तीसरी संख्या बताइए, तो तीसरी संख्या कौन हो जाएगी, 16, तो वैरी करता रहेगा। ठीक है, यही सवाल पूछ सकता है आपसे इसमें, ठीक है, इससे ज्यादा नहीं, ये देख के यही पूछेगा। ठीक, अगला देख लेते हैं, ये तो किस पे था, सम पे, अब किस पे दे देता है अगला, मान लो विषम पे। ठीक है, तो लिख लीजिएगा, 6 क्रमागत, 6 क्रमागत विषम संख्याओं का, संख्याओं का योग, 6 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 180 है, कितना है, 180 है। ठीक, तो अब 180 है, फिर वही सारी बातें, 180 है तो किससे कर लेंगे हम, 6 से काटेंगे, कितना आया, 30, तो 30 देखिए, क्या 30 एक विषम संख्या है, नहीं, तो ये बीच वाली हो नहीं सकती, हटा देंगे, लेकिन जगह है बीच की, इसमें एक अंकों के बीच में जगह है, तो हम इधर 3 और इधर 3 बढ़ेंगे, पहले ढूंढेंगे इसके बगल में विषम 31, इसके बगल में 29। ठीक, अब इधर घटते चलेंगे, 27 इधर घटेंगे 25, और इधर घटेंगे 33, और इधर बढ़ेंगे 35। आगे बात समझ, अगर छोटी बड़ी का योग पूछेगा, छोटी बड़ी का योग, तो 30 दूना हम क्या कर देंगे, 60, 30 दूना क्या कर देंगे,
60, 30 × 60 कर लेंगे। तो ये तो हो गया इस पे सारा कॉन्सेप्ट कि कैसे कैसे हमको करना है। चलिए अब यहाँ तक खत्म हो गया बातें, अब इसके आगे हम लोग देख रहे हैं, अब इसके आगे हम सोच रहे हैं इसी वीडियो में ही क्या लंबा खींचे, फिर चाहे दूसरा पार्ट बनाएंगे। तो आज प्रयास कर रहे हैं कि वर्गों का और घनों का योगफल भी खत्म कर दिया जाए इसी में, ठीक है। तो अब इसमें ज्यादा आता नहीं है, इस टॉपिक से जो अब तक पढ़ाए हैं वो आ सकता है, लेकिन अब इसके बाद वाला जो आएगा वहां पे भी मैं तुमको सलाह दूंगा कि अगर ये सवाल आपके एग्जाम में आ गया तो आप इसको थोड़े देर के लिए स्किप कर दीजिएगा, क्योंकि मिनट आपके पास कम है, ठीक है। और ये सब सवाल लेंदी होते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा प्रॉपरली माइंड को डाइवर्ट करके, लेकिन काम है हम लोग का पढ़ाना, और पढ़ना पढ़ाना तो हम लोग पढ़ाएंगे, ठीक है। चलिए अब इसको देखते हैं। जैसे अब हमारा अगला हेडिंग जो होगा वो होगा क्या, वर्गों का योगफल। योगफल तो सबसे पहला वाला कंडीशन क्या है, वर्गों का योगफल में सबसे पहला कंडीशन हम लोग पढ़ेंगे क्रमागत संख्या। क्या पढ़ेंगे? क्रमागत संख्याओं का योगफल। क्या पढ़ेंगे? क्रमागत संख्याओं का योगफल। अब इसको ध्यान से देखना, क्रमागत संख्याओं का योगफल कैसे पढ़ोगे? क्रमागत संख्याओं का योगफल, क्रमागत संख्याओं के वर्गों का योगफल लिखो ना, ठीक है। इसको क्या लिखेंगे? क्रमागत संख्याओं के वर्गों का योगफल, ठीक है। पहला कंडीशन वर्गों का योगफल। तो इसको कैसे करते हैं, देखो, क्रमागत माने सीरीज वन से हो, वन का स्क्वायर प्लस टू का स्क्वायर प्लस थ्री का स्क्वायर डैश 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 कहां तक, एन तक। कहां तक हो? एन के स्क्वायर तक। एन क्या है? आखिरी पद। तो इसका फॉर्मूला हम लोग क्या निकालते हैं, फॉर्मूला इसका बनता है n ब्रैकेट में n प्लस वन ब्रैकेट में 2n प्लस वन बाई सिक्स। सिक्स को 2 × 3 भी लिख सकते हो, 2 × 3 भी लिख सकते हो, यहां तक कोई दिक्कत, ठीक। ये फॉर्मूला याद रखिएगा, ये थोड़ा सा जरूरी वाला है, कभी अगर आ गया बाय द वे एग्जाम में तो पहले तो ड्रॉप करिएगा, अगर बाद में समय बचेगा तो ही ये उठाइएगा, क्योंकि 3-3 गुणा करना पड़ता है, ठीक है। जैसे अगर क्रमागत संख्याओं के वर्गों के योगफल को हम लोग चेक करेंगे तो सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं एक सवाल इसको देखने के लिए, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर और डैश 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 कहां तक ले लिया गया, 80 के स्क्वायर तक। तो अगर ये सवाल लिया है तो पहला सवाल है तो हम इसको क्या करेंगे, लिखेंगे 80 × 81। अब 80 का दुगना कर देंगे, 80 × 160 और 161 बटा 2 × 3। 2 × 3, 2 से हम इसको काट लिया कई बार में 40 और 3 से काट लिया 27, ठीक। तो अब 27 का गुणा करना है, 27 एक कम, 27 का 7 कैरी कितना, 2। 27 छक्के करेंगे तो 42 और 120 162 में 2 जोड़ दिया तो 164 का 4 कैरी कितना, 16। 27 एकम 27 और 16 6 33 10 43 आया, और इसमें किसका गुणा कर ले, 40 का, इसमें अभी 40 बचा हुआ है तो हम गुणा करेंगे तो आएगा 0 7 4 28 का 8 कैरी कितना, 2 16 2 18 18 का 8 कैरी कितना, 1 और ये कितना आ जाएगा, 12 12 1 13 13 का 3 कैरी कितना, 1 16 16 16 1 17। आंसर आया क्या, 13 388 0 17 38 80। याद रखिएगा इस तरीके का सवाल आएगा तो कैलकुलेशन टफ, और थोड़ा भी गड़बड़ हुआ तो समय भी जाएगा नंबर भी जाएगा, ठीक। तो मैं ऐसे सवाल में रिस्क नहीं कहता हूं, कभी नहीं कहता हूं एज अ टीचर कि कभी भी इसको पहले उठाना सॉल्व करने के लिए। देखो मैं हितैषी हूं, तुम्हारा दुश्मन नहीं हूं, उठाना चाहो तो उठा लेना, लेकिन समय भी बर्बाद होगा और गलती से कुछ गलत भी हुआ तो पूरा गड़बड़ भी हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब ये तो रहा शुरू से, अब मान लो यही बीच से टूटेगा तब क्या करोगे, बीच से टूटेगा मतलब अगर कह दिया 20 का स्क्वायर प्लस 21 का स्क्वायर डैश डैश डैश, अगर इस तरीके से करके आ गया बीच से एक से ना देख के दे दिया तब आप क्या करोगे, सपोज कर लो कहां तक दे दिया 70 के स्क्वायर तक, ठीक है, कहां के स्क्वायर तक, 70 के स्क्वायर तक। तो इसको कैसे करेंगे, अब इसको करना थोड़ा सा जटिल है क्योंकि हम फॉर्मूला डिपेंडेंट हो चुके हैं, फॉर्मूला ही मेरा सहारा है। तो हम इसको क्या करेंगे, 1 का स्क्वायर 2 के स्क्वायर से लेके कहां तक लिखेंगे, 70 के स्क्वायर तक पहले, ठीक। देखो कुछ लोग 20 पहले लिख लेते हैं, क्या मतलब है, घटाना है तो बाद में लिखो, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर कहां तक घटा लेंगे, 20 के स्क्वायर तक। बात समझ आ रही है,
घटाना ही ना, एक से लेकर 70 लिखा, सॉरी 20 नहीं लिखेंगे, गड़बड़ हो रहा है, 20 नहीं लिखेंगे, 20 तक तो है ही सीरीज, कहां तक का माइनस करेंगे, 19 तक का, क्या नहीं है मेरे पास, तो 19 का स्क्वायर हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे 19 का स्क्वायर। आगे बात समझे, फॉर्मूला वही है, हम लिखेंगे क्या 70, 70 एक, 71, 70 दूना 140 और एक 141 बटा 2 × 3 या डायरेक्ट 6 लिख सकते हैं। यहां लिखेंगे 19 × 20 × 21 बटा 2 × 3। आगे बात समझे ठीक। तो सेम इस तरीके से हम अगर सॉल्व करेंगे तो 2 से ये कट जाएगा क्या बाद में 35 और 3 से इसको काट लेंगे 47 बाद में ठीक है। अब सेम अगर हमको काटना है तो हम 2 से काट लेंगे 10 बार में और 3 से काट लेंगे 7, तो 19 सत्य हम पढ़ेंगे, 9 सत्य 63 का 3 कैरी कितना 6 और ये कितना आ जाएगा 7 एकम 7 6 33 और ये 133 10 हो गया। अब यहां गुणा करना है तो थोड़ा प्रॉपरली अच्छे से गुणा कर लेंगे, 47 एकम 47 का 7 लिखेंगे कितना 7 कैरी कितना 4, 47 का 7 में 49 और 7 चौके 28 तो 329 में 4 का अगर गुणा कर लेते हो, 329 में 4 जोड़ लेते हो तो 333 ये होगा, देख लेना जरा सा, 7 का गुणा कर रहे हैं 7 सत्य 49 हो गया और ये ठीक 29 और ये 33, अब इसमें किसका गुणा करना है 35 का ठीक, 35 का गुणा कर रहे हैं तो 3 21 210 35 245 245 का 45 कैरी कितना 24 होगा, 35 तीन 105 होगा ना, देख लो 105 में अगर हम 24 जोड़ देते हैं 105 में 24 129 का 9 कैरी कितना 12, अब 35 105 में 12 जोड़ा 117 17 का 17 कैरी कितना 11, 35 105 11 116 हो गया। तो अब ये आया और इसमें से अब मुझे क्या करना था, इसको घटाना था तो घटाएंगे तो 5 में से 0 जाएगा 5, यहां 9 में से 3 जाएगा 6, 7 में से 3 जाएगा 4, 6 में से 1 जाएगा 5 और यहां कुछ तो गया नहीं, कैरी लिए नहीं तो 11 ऐसे लिख देंगे, तो आंसर आया है 11 54 65, ये नोट कर लीजिएगा 11 54 11 है यहाँ पे ठीक है 11 54 65 ठीक है। चलिए ये है एक अप्रोच, बात क्लियर है। अब ये एक एक सवाल हम करा दे रहे हैं ठीक है, बाकी आप देख लीजिएगा। अब चाहे क्रमागत कैसी रहे, क्रमागत सम रहे या विषम रहे, सम रहे या फिर कैसी रहे विषम, सम या विषम वर्गों का, क्रमागत सम या विषम संख्याओं के वर्गों का योगफल क्या रहे, संख्याओं के वर्गों का, वर्गों का योगफल, वर्गों का योगफल ये रहे ठीक। अब क्या करेंगे, जब सम विषम रहा तो दोनों में एक ही फॉर्मूला यूज होता है, फॉर्मूला क्या है n ब्रैकेट में n प्लस 1 ब्रैकेट में n प्लस 2 बाई कितना 6 बाई 6 ठीक। अब जैसे अगर आपके एग्जाम में आ गया, सपोज कर लो कि 2 का कहां से स्टार्ट होता है सम संख्या 2 से, 2 का 4 का डैश 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 से लेकर अगर मान लिया गया 20 के स्क्वायर तक आ गया, छोटा छोटा लेते हैं कोई मतलब नहीं है, 20 के स्क्वायर तक ले लेते हैं कोई दिक्कत नहीं है, बस बातें हमको समझनी है ना, आखिरी संख्या हमको क्या मिली 20, तो हम यहां रखेंगे 20 × 21 × 22 बटा 2 × 3, 3 से काट देंगे 7, 2 से काट देंगे 7 का गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 154 और ये 0, बात समझ आ गई हो गया ठीक। बोलिए कोई दिक्कत नहीं। अब अगर यही विषम का ले लेते हैं ठीक है, विषम की सीरीज अगर यही छोटे से में इस तरफ कर ले रहे हैं विषम वाली ठीक है, क्योंकि यही विषम भी खत्म कर ले रहे हैं, फिर इनका अंतर वाला भी कर लिया जाएगा एक एक सवाल ठीक है, तो विषम को अगर कर रहे हैं तो विषम अगर कहां से स्टार्ट होगा 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस डैश 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 से लेकर मान लीजिए किसके स्क्वायर तक, तो हम क्या करेंगे ध्यान से लास्ट में क्या लिखेंगे यहाँ 21, आखिरी में क्या है 21, फॉर्मूला वही रहेगा 21 में एक जोड़ दिया 22 × 23 बटा
दो गुड़े तीन से काट लिया सात बार में, और दो से काट लिया ग्यारह बार में, सात का गुड़ा इधर कर लेना पहले, ठीक है, चाहे ग्यारह का ही गुड़ा कर लो, सात का गुड़ा कर ले रहे हैं हम, सात का सात तरीके इक्कीस का एक कैरी कितना दो, सात उन्नीस चौदह, चौदह और दो सोलह होगा, और गुड़े इसमें क्या कर ले हम ग्यारह, ग्यारह कम ग्यारह का एक कैरी एक छाछठ एक सड़सठ का छह कैरी छह, तो ये कितना हो जाएगा सत्रह इकहत्तर, बात समझ आ गई, सत्रह इकहत्तर। ये तो था एक एक, अब किसका सम का और विषम का, सेम इसी तरीके से हम इनको बीच से तोड़ के भी कर ले रहे हैं, ठीक है, कि यही खत्म हो जाए, ये टॉपिक ही खत्म कर लिया जाएगा, इसके बाद घनों का योगफल देख लेंगे, ठीक, तो ये देखते हैं अगला जोड़ रहे, ठीक, बीच से एक लाइन खींच दो सीधा जिससे वर्गीकरण हो जाए, ठीक, एक सवाल दोनों तरफ लिखते हैं, दोनों तरफ लिखिएगा सवाल, पहला जो है 36 से लेके 70 तक लिख लेते हैं, कहां तक 36 का स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा 38 का स्क्वायर, कहां तक 70 के स्क्वायर तक, एक सवाल हो गया, और उधर वाले में लिख लेते हैं 15 से लेकर 37 तक का, कोई दिक्कत नहीं है, 15 का 17 का लेके डैश 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 37 तक का स्क्वायर, थोड़ा सा घोड़ा टफ होगा इस वाले में, ठीक है, हम कहां से लिख लेते हैं पहले 2 से लेके कहां तक 70 तक का, ठीक, फिर माइनस क्या करना है ये इंपॉर्टेंट है, 2 से लेके कहां तक का माइनस करेंगे, 36 दिया है, आखिरी गायब कौन है 34 35 नहीं बोलेंगे, ठीक है, दिमाग से 35 नहीं बोलेंगे, ठीक, इस वाले में क्या करेंगे हम कहां से लिखेंगे एक का स्क्वायर डैश 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 से लेकर 37 के स्क्वायर तक, फिर माइनस कहां से करेंगे माइनस एक के स्क्वायर से लेके डैश 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 कहां तक के 13 तक के स्क्वायर, ठीक है, 15 है आखिरी कौन सी गायब है 13, तो दिमाग लगाइएगा, चले, तो हम इसको अगर कर रहे हैं तो ये होगा 70 गुड़े 71 गुड़े 72, और यहां माइनस में होगा 34 गुड़े 35 गुड़े 36 बट्टा यहां डायरेक्ट 6 लिख रहा है, बट्टा यहां डायरेक्ट 6 लिख रहा है, ठीक है, दोनों में डायरेक्ट डायरेक्ट 6 लिख रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं, ठीक, अब 34 है तो यहां 6 से 6 काट दिया और यहां 12 काट दिया, अब देखो इसका हमको गुणा करना है, मेरी तरह थोड़ा सा समझदार बच्चा रहेगा तो मैंने तुमको बोला कम वाले का वर्ग करके उतना ही जोड़ देना, अभी थोड़ी देर पहले इस वीडियो में भी जिक्र हो गया, तो 70 का वर्ग कितना हो जाएगा 49 और उसमें 70 जोड़ दें, कोई दिक्कत, तो ये कितना आ जाएगा 49 70 और 49 70 में किसका गुणा करना है 12 का, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा बोलो, तो 12 जीरो जा 0 12 सत्ते 84 का 4 कैरी कितना 8 12 नवा 108 108 में कैरी कितना था 108 में 8 कैरी 16 16 का कैरी कितना 11 12 चौके 48 और 11 59 हो गया माइनस, सेम अब वही कॉन्सेप्ट यहां पे भी है, तो हमको 34 का वर्ग आना चाहिए, अब अभी भी नहीं करेगा किसी को तो हम क्या करेंगे 34 का वर्ग कितना होगा 11 56 में कितना जोड़ दें 34, तो 34 जोड़ेंगे तो 1190 होगा कि नहीं होगा, देख लो 1190 हुआ, 1190 में किसका गुणा कर दें 6 का, तो गुणा करेंगे तो यही लिख रहा है 0 और यहां कितना हो जाएगा 9 6 54 का 4 कैरी कितना 5 और 11 का एक कैरी कितना 1 6 कम 7, अब बताओ यही घटाना है, घटा लोगे कि नहीं घटा लोगे, यही घटाना है, ये देख लो ये 5 है इसमें 0 में 0 गया 0 4 में से गया 1 गया 5 9 में से गया 2 और ये कितना होगा, बात है ठीक, बात समझ आ गई, ठीक, सिर्फ वही कॉन्सेप्ट हम लोग यहाँ करेंगे, हम यहाँ क्या करेंगे 37 गुड़े 38 गुड़े 39 बटा कितना कर देंगे 6, ठीक, सेम अगर यहाँ करना चाहते हैं 13 गुड़े 14 गुड़े 15 बटा 6, तो 2 से काट ले रहे हैं 7 बार में, फिर 3 से काट ले रहे हैं 5 बार में, 2 से काट ले रहे हैं 19 बार में, 3 से काट ले रहे हैं 13 बार में, तो देखो दोनों पहाड़ा पड़ सकते हैं, घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन पढ़ने आना चाहिए, अभी नहीं कि बैठ के सपना देख रहे हैं, ठीक है, तब नहीं आएगा, 19 सत्ते हमको करना है, 9 7 63 का 6 कैरी 3, 19 सत्ते कितना हो जाएगा 133, 33 का 3 कैरी कितना 13, 19 तिया 57, 57 में 13 जोड़ दीजिए, 19 तिया 57 होता है ना, 57 का और 19 तिया 57 में 13 जोड़ देंगे तो कितना होगा
70 ठीक, 57 में 13 60 मत बोल देना कोई जल्दी से, ठीक है। कई लोग होते हैं कि जल्दी जल्दी में गड़बड़ हो जाता है 13 का, तो 13 70 91 39 होगा। सेम अगर इसको करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, अगर कर रहा है 7 5 35 35 का गुणा करना है 13 5 65 का 5 65 का 5 5 कैरी कितना 6 13 3 39 39 और 6 39 6 कितना हो जाएगा 45 ठीक। घटाना है सर क्योंकि घटाना घटाना चल रहा था ठीक, घटाएंगे तो ये कितना आ जाएगा लगभग में 4 और ये आ जाएगा कैरी गया यहाँ 13 13 में से 5 गया 8 और यहाँ क्या बचा 0 तो ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 86 84 आया होगा ठीक। चेक करते रहिएगा कोई दिक्कत नहीं है। अगला बढ़ सर, अगला अगला देख रहे हैं आपके सामने आ गया लास्ट वाला जो है घनों का योगफल, यही लास्ट है पैनिक मत होइएगा। घनों का योगफल, घनों का योगफल कैसे निकलता है, क्रमागत संख्या का ही इसमें पूछा जाएगा, केवल किसका पूछा जाएगा, सम विषम का ज्यादा सवाल आता होता नहीं है ठीक है। क्रमागत सम विषम नहीं आता इसमें, केवल क्रमागत संख्याओं का आता है ठीक है। तो फॉर्मूला अगर क्या होगा, क्रम से स्टार्ट होगा, एक एक का हो जाएगा, फिर यहाँ पे एक का क्यूब, दो का क्यूब, डैश 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 कहां तक, एन का क्यूब। तो इसका फॉर्मूला हम लोग क्या पढ़े, एन ब्रैकेट में एन प्लस वन बाई टू का होल स्क्वायर ठीक, टू का होल स्क्वायर। तो बेसिक हमको पढ़ना पड़ेगा, ये बेसिक हमारे तैयार होने चाहिए तो ही हम कुछ कर पाएंगे ठीक है। तो अब इसको देख रहे हैं हम क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए एक का क्यूब प्लस दो का क्यूब डैश 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 से लेकर अगर आपके पास कहां तक का आ गया, मान लीजिए 40 तक का क्यूब आ गया ठीक, तो आप फॉर्मूला क्या लगाएंगे, 40 गुणे 41 बटा दो का होल स्क्वायर, तो दो से काट देंगे 20। अब यहां करेंगे तो 20 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 41 गुना 42 और ये कितने 41 गुना 82 होगा ना, 82 0 ठीक है। काबे काले के बैठे हुआ ठीक है, ये 41 गुना 42 कह रहा, 0 होगा तो 0 का क्या लेंगे, 00 ये कितना हो जाएगा 82 का स्क्वायर करना है, 82 का स्क्वायर करके चिपका दे, ये कितना होगा 8 का 64 और इसका 04 16 16 दूना 32 तो हमारा कितना आ जाएगा 67 24 हो गया आंसर ठीक। तो इस तरीके के जितने भी सवाल होंगे प्रॉपरली आप डील कर लीजिएगा, और आपसे वही अनुरोध है बार बार हम कह रहे हैं कि चैनल का नाम आपको याद होना चाहिए, चैनल का नाम क्या है, मनीष मैथ्स, और आपका ये अपना चैनल है और किसी का नहीं है ठीक। तो इसको जितना ज्यादा हो सकता है, जितना ज्यादा हो सकता है इसको शेयर करिए ठीक है, जितना ज्यादा हो सकता है शेयर करिए, और आपसे अनुरोध है कि इसको क्या करिए, सपोर्ट करते रहिए ठीक है, जितना ज्यादा हो सकता है सपोर्ट। कंटेंट हमारा काम है, धीरे 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 ही जाएगा, पर जाएगा एक समय के साथ जाएगा, और कुछ दिन बाद हो सकता है कि हम इसी प्लेटफॉर्म पे रीजनिंग भी खुद से पढ़ाएं ठीक है। तो पैनिक होने की जरूरत नहीं है, अभी व्यवस्थाएं सही हो जाए, सही से अभी पीपीटी बनाने वाला कोई नहीं मिल रहा है, खुद बनाना है, खुद सब कुछ करना है, तो थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, तो पैनिक मत होइए क्योंकि हम लोग स्टार्टिंग है, बिगनर है, और हम लोग इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते, बस आप लोग के सपोर्ट की जरूरत है कि जितना ज्यादा हो सकता है सपोर्ट करिए, और आगे हम लोग इस चैनल को चलाते रहेंगे। बस आप लोग से यही अनुरोध है कि जितना ज्यादा हो सकता है इसको शेयर करिए और सपोर्ट करिए और सब्सक्राइब कराइए, और वॉच टाइम आप लोग के ऊपर है, वो तो कंटेंट जब अच्छा रहेगा तो वॉच टाइम अपने आप बढ़ेगा, वॉच टाइम की चिंता नहीं है। हम लोग बहुत जल्द ही 1000 के मार्क को छुएंगे, अगर आप लोग की दुआ हम लोग के साथ रही और सारे बच्चे मिलके एक साथ लगे रहे। अपने दोस्तों में शेयर करिए, कंटेंट आपको पसंद आ रहा है ही नहीं कि अपने पास रखे ठीक है, आप अगर शेयर करेंगे तो हमारा एक वैल्यू बढ़ेगा ठीक है। तो आपसे यही अनुरोध है कि जितना ज्यादा हो सकता है शेयर करिए। बस आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, फिर मिलते हैं कल किसी और कंटेंट के साथ।